सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो अभी मैं पहले आपको बताता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है कि कैपेसिटर को आपको एक ही ब्रांच में कनेक्ट करना है ना, और इस तरीके से कनेक्ट करना है कि फर्स्ट कैपेसिटर की जो सेकेंड प्लेट है वो सेकेंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट हो, फर्स्ट कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट सेकेंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट हो। कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? सीरीज, और इसको जोड़ दिया हमने एक बैटरी से। ठीक है, ठीक है, समझ में आए? अब कोई वी वोल्ट की बैटरी लगा रखी है तो इन तीनों कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो है C1 C2 C3, अलग अलग मान लेते हैं। तो तीनों के अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है जो आपने अप्लाई कर रखा है वो कितना है? वी के इक्वल है। अब यहाँ से क्यू चार्ज जाएगा स्टोर होने के लिए, तो कैपेसिटर की जो फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट है इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? क्यू। जितना चार्ज बैटरी से चला है वो किस पे आ गया? फर्स्ट प्लेट के ऊपर आ गया। कितना चार्ज आएगा? क्यू चार्ज आएगा। इस क्यू चार्ज की वजह से सेकेंड जो प्लेट है उसके इधर वाली सरफेस पे क्या होगा? माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। समझ में आई ये बात? और ये जो माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ है इसके साथ साथ ही इधर वाली सरफेस पे क्या इंड्यूस होगा? प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, कौन सा चार्ज है ये? इंड्यूस चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा वो इस चार्ज से क्या होगा? रिपेल होगा। रिपेल होगा तो वो दूर जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ की बजाय वो आपको सेकेंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के ऊपर दिखेगा। यहाँ से वो इधर चला गया, क्यों चला गया? क्योंकि ये उसको रिपेल कर रहा है। और जैसे इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आया वापस से यहाँ पे क्या इंड्यूस होगा? माइनस क्यू चार्ज। और इधर क्या इंड्यूस होगा? प्लस क्यू चार्ज। वो आगे चला जाएगा इससे रिपेल होके। तो ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आ गया, मतलब हर एक कैपेसिटी की फर्स्ट प्लेट पे कितना चार्ज दिखाई दे रहा है? प्लस क्यू, और सेकंड प्लेट पे माइनस क्यू। अच्छा, यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा वो कहाँ जाएगा? तो वो इस नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होके इधर आ जाएगा। समझ में आया? तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि जो तीनों कैपेसिटर हैं उनके ऊपर आपको चार्ज सेम ही दिखाई दे रहा है। इस पर भी क्यू चार्ज है, इस पर भी क्यू है, और इस पर भी क्यू है। तो एक रिजल्ट आप ये याद रखोगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा जो कैपेसिटर्स हैं उनके ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, चाहे वो अलग अलग कैपेसिटी के कैपेसिटर हों। कैपेसिटी सबकी अलग अलग है, C1, C2, C3, ठीक है, लेकिन चार्ज तीनों ने क्या है? सेम ही स्टोर किया है, सब पे चार्ज सेम है। ठीक है, इन तीनों कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होगा। चार्ज भले ही सेम हो लेकिन कैपेसिटेंस तो अलग अलग है, और कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस में इनमें रिलेशन होता है वी इक्वल्स टू क्यू बाई सी। ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो पहला कैपेसिटर है इसकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V1, और ये V1 कितना होगा? तो चार्ज कितना है इसके ऊपर? Q, और कैपेसिटेंस कितना है? C1। सेकेंड कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस तो V2 इक्वल्स टू क्यू अपॉन C2, और थर्ड के लिए क्या लिखेंगे? V3 इक्वल्स टू क्यू बाई C3। समझ में आई? तो तीनों ने इतना इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वी के इक्वल होगा, क्योंकि जितने वोल्टेज की बैटरी लगाई है उससे ज़्यादा वोल्टेज तक तो ये मतलब तीनों मिला के जो टोटल चार्ज होंगे वो इतने वोल्टेज तक होंगे। ठीक है, कितने वोल्टेज तक? वी वोल्टेज तक। तो एक चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो वी वोल्टेज है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के सम के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब एक चीज़ सोचो, मान लो मैं इन तीनों कैपेसिटर को हटा के, क्योंकि मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, तो इन तीनों को हटा के मैं एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब इन तीनों की जगह मैंने इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज है वी, तीनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसको नाम दे देते हैं CS, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसलिए CS लिख दिया। ठीक है, कितने वोल्टेज तक चार्ज होना चाहिए? ये वी वोल्टेज तक। भाई तीनों मिलकर टोटल कितने वोल्टेज तक चार्ज हुए? वी वोल्टेज। तो ये अकेला वी वोल्टेज तक चार्ज होगा, तभी तो इक्विवेलेंट होगा। और जितना चार्ज इन तीनों ने मिलकर स्टोर किया है उतना ही चार्ज ये भी स्टोर करे, तभी तो इनका इक्विवेलेंट बोला जाएगा, ये इनके बराबर। तो इन तीनों कैपेसिटर्स ने मिलकर टोटल कितना चार्ज स्टोर किया है बताओ? पहले कैपेसिटर पे कितना चार्ज है? क्यू। दूसरे पे क्यू, तीसरे पे क्यू। टोटल कितना चार्ज इस सिस्टम के अंदर स्टोर हुआ? चलो ऑप्शन देता हूँ, क्यू, 3Q, 0, बताओ। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, ऐसे ऐसे चार्ज है, तो ये तो जीरो हो गया।
इसका मतलब सिस्टम ने जीरो चार्ज स्टोर किया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इस सिस्टम ने क्यू चार्ज स्टोर किया है। अच्छा ये बताओ, बैटरी से कितना चार्ज लिया? क्यू लिया था, कहाँ गया? इस पर स्टोर हो गया। और बाकी जो आगे वाली जो प्लेट्स हैं उनके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो कौन सा चार्ज है? इंड्यूस चार्ज। क्या वो हमने बैटरी से लिया है? नहीं, वो तो पहली प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज आने की वजह से इंड्यूस होता गया। तो सिस्टम ने टोटल मिला के कितना चार्ज स्टोर किया? क्यू चार्ज स्टोर किया है। तो थ्री क्यू भी आंसर नहीं होगा और जीरो भी नहीं होगा, ठीक है ना, याद रखना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों कैपेसिटर पे जितना चार्ज होगा उतना ही इक्विवेलेंट चार्ज भी होगा। तीनों ने अगर 10 कूलम चार्ज स्टोर कर रखा है, ऐसे बोलेंगे अपन, तो सिस्टम ने टोटल कितना चार्ज स्टोर कर रखा है? 10 कूलम। क्योंकि एक ही प्लेट पे, पहली प्लेट पे चार्ज आता है, बाकी सब आगे इंड्यूस होता जाता है, वो हम बैटरी से नहीं लेते हैं, ठीक है। समझ में आया ना ये कॉन्सेप्ट? तो ये याद रखना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं V को क्या लिख सकता हूँ? V इक्वल्स टू क्यू बाई सी एस। तो इस इक्वेशन में अगर हम ये वैल्यूज पुट कर दें, V की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, V1 V2 V3 यहाँ से पुट करेंगे, क्या बनेगी इक्वेशन? क्यू बाई सी एस इक्वल्स टू क्यू बाई C1 प्लस क्यू बाई C2 प्लस क्यू बाई C3। तो Q दोनों साइड में कैंसिल होगा, तो 1/CS इक्वल्स टू क्या आया? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आया कि नहीं आया? समझ में आया? सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस में क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। ये उसका उल्टा है, रेसिप्रोकल करके आपको हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ऐड करना है, और इससे आपको क्या मिलेगा? 1/CS मिलेगा। जैसे आपके पास 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड के तीन कैपेसिटर हैं, तीनों को आपने सीरीज में लगा दिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। 1/CS क्या आएगा? 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। और LCM कितना आएगा यहाँ पे? 6, तो 6 प्लस 3 प्लस 2, आंसर बताओ 1/CS कितना आया? 11/6, तो CS कितना होगा? 6/11। आपने जो कैपेसिटर लगाए थे वो थे 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मिला? आपने जो कैपेसिटर लगाए थे 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड के थे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इतना मिला, क्या 1 से भी कम मिला? इसका मतलब ये है, रिजल्ट याद रखना है, कि जब भी आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को कनेक्ट करोगे तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस से भी कम आएगा। अगर आप 1, 2, 3 के बजाय और कोई भी कैपेसिटर लगा दो सीरीज में, तो हमेशा उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? कम होगा, सबसे छोटे वाले से भी कम आएगा। समझ में आई ये बात? इसका मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होने से अपन को फ़ायदा या नुकसान है? नुकसान ही है, क्योंकि एक माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर जितना चार्ज स्टोर कर रखा था, जब हमने तीन को सीरीज में लगा दिया तो इक्विवेलेंट तो उससे भी कम आया, मतलब अब ये सिस्टम और भी कम चार्ज स्टोर करेगा, तो इससे हमको नुकसान होता है। तो कैपेसिटेंस अगर कम करना हो तब हम इस सिस्टम को, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे। अगर हमें कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो हमेशा हम दूसरा जो कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो यूज़ करेंगे। उसमें भी देखते हैं क्या फॉर्मूला बनता है। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा है? प्यारे लाल कॉम्बिनेशन। अरे कौन सा है? हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? इसमें जितने भी कैपेसिटर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे उन सब की जो फर्स्ट प्लेट है वो एक साथ कनेक्ट करेंगे और सेकंड प्लेट है वो एक साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से। मान लो वी वोल्ट की बैटरी हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दी, कैपेसिटेंस है C1 C2 C3, ठीक है। यहाँ से क्यू चार्ज चला। अब क्यू चार्ज के पास में देखो तीन रास्ते हैं यहाँ पे जाके, ठीक है। क्यू चार्ज यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, क्योंकि अलग अलग कैपेसिटर की कैपेसिटी अलग अलग है चार्ज को स्टोर करने की। यहाँ से चार्ज जितना भी जाएगा इन सब की कैपेसिटी अलग अलग होने की वजह से अलग अलग क्वांटिटी में स्टोर होगा। जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी होगी, उस पर ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। कैसे पता चला? फॉर्मूला क्या है? क्यू इक्वल टू सी इंटू वी। यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात क्या होती है? कि उसमें वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस। तो तीनों कैपेसिटर वी वोल्टेज तक ही चार्ज होंगे, क्योंकि तीनों डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? बैटरी से कनेक्टेड है। देखो तीनों जाके किससे कनेक्ट हो गए? सीधे बैटरी से। तो हर एक कैपेसिटर वी वोल्टेज तक चार्ज होगा, लेकिन
चार्ज की वैल्यू तीनों पे अलग अलग होगी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वी सेम है लेकिन सी तो अलग अलग है ना, और जिसके लिए सी ज़्यादा होगा उसके लिए क्यू भी ज़्यादा होगा। तो तीनों अलग अलग कैपेसिटेंस मतलब होने की वजह से अलग अलग क्वांटिटी में चार्ज को स्टोर करेंगे। आया कि नहीं आया समझ में? पहला कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा, क्यू वन कितना होगा, सी वन इंटू वी, सेकेंड सी टू इंटू वी, और थर्ड सी थ्री इंटू वी। तीनों ने इतना इतना चार्ज स्टोर किया। टोटल चार्ज जो बैटरी से लिया गया है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। इसका मतलब तीनों का सम किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा। तो तीनों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इन प्लेट्स के ऊपर, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर जो पॉजिटिव इंड्यूस होगा वो इधर से होता हुआ वापस यहाँ चला जाएगा। मतलब क्यू चार्ज लिया है, इधर से क्यू चार्ज वापस भी आएगा। सिस्टम ने क्यू चार्ज लेके स्टोर किया है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो क्यू है वो एक्चुअली क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री इन तीनों के सम के इक्वल होगा। अगर मैं इन तीनों का एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर है जो तीनों के बराबर अकेला काम करेगा। मतलब यहाँ पे तीनों को हमने एक वी वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया, तो इसको भी वी वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे। तीनों ने मिलकर टोटल क्यू चार्ज स्टोर किया, तो ये अकेला क्यू चार्ज स्टोर कर लेगा। और इसका कैपेसिटेंस मान लो ये है सी पी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना सी पी। तो बताओ इसके लिए मैं क्या इक्वेशन लिखूँ, क्यू इक्वल टू सी पी इंटू वी लिख दूँ। अब यहाँ से आप क्यू की वैल्यू पुट करोगे इसमें, और यहाँ से क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, यहाँ से क्यू की वैल्यू क्यों, क्योंकि सी पी आपको कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ सी वन सी टू सी थ्री। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा सी पी वी इक्वल टू सी वन वी प्लस सी टू वी प्लस सी थ्री वी। क्या कैंसिल होगा, वी कैंसिल होगा दोनों साइड में, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, ये आपका फॉर्मूला बन गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो हमेशा उन कैपेसिटर्स के सम के इक्वल होगा। जैसे वन माइक्रोफेरेड, टू माइक्रोफेरेड और थ्री माइक्रोफेरेड के तीन कैपेसिटर हमने सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं, सीरीज नहीं पैरेलल। तो बताओ उनका इक्विवेलेंट कितना होगा, उनका इक्विवेलेंट आएगा सिक्स माइक्रोफेरेड। बढ़ा या कम हुआ, बढ़ गया। इसका मतलब अगर आपको कैपेसिटेंस बढ़ाना है, दस दस माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर अवेलेबल हैं, आपको चाहिए थर्टी माइक्रोफेरेड, क्या करोगे, तीन दस दस माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स को मतलब पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, 30 माइक्रोफेरेड, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो कई बार तो ये वन मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछते हैं कि अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है तो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो इंक्रीज करना है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, और डिक्रीज करना है तो सीरीज। और कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि ये कैपेसिटेंस अवेलेबल है, इतना कैपेसिटेंस बनाना है, डिज़ाइन करना है, तो बताओ कितने कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाएं, कितने को पैरेलल में लगाएं, और इतना कैपेसिटेंस ऑब्टेन करने पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो समझ गया ना क्या करना है, जहाँ पे ये लगे कि कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम आ रहा है तो वहाँ पे सीरीज में लगाना है, जहाँ पे अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज़्यादा करना है आपको तो पैरेलल में लगाना है। ठीक है, क्लियर एकदम।